Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 1 of history. The name of the chapter is History, When, Where and How. So, now we are going to read the chapter. Earlier, I have sent you the video of introduction of history. I hope you all have seen. So, let's start reading the chapter now. So, let's start reading. You will now be studying history as a subject. अब आप हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट रीड करोगे. इन क्लासेस 6 to 8 यू विल स्टडी इंडियन हिस्ट्री. बेटा जो क्लासेस 6 to 8 है इसमें आप इंडियन हिस्ट्री रीड करते हो, इंडिया की हिस्ट्री. बट इवन हम बात करें 9th-10th की, तब आप वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की हिस्ट्री भी रीड करते हो. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट मीन्स इंडियन हिस्ट्री में अर्लियर टाइम से लेके आज की आज तक प्रेजेंट टाइम तक जो हिस्ट्री रही है वो आप इंडिया की स्टडी करोगे. ठीक है. रीड ऑन टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. इसमें आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, क्या सब्जेक्ट को, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी लाइफ में, एंड टू नो द इंटरकनेक्शंस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. मीन्स पास्ट और प्रेजेंट में क्या कनेक्शन है ये आप हिस्ट्री में स्टडी करोगे. नाउ व्हाट इज हिस्ट्री. We have done the definition in the introduction part also, so just recap that. The word history is derived from the Greek word historia, which means inquiry or investigation into the past. जो history word है ये कहाँ से लिया गया है, Greek word से, जो means historia एक Greek word है वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि inquiry करना, investigation करना past में. ठीक है, तो हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री इज द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पीपल प्लेसेस एंड इवेंट. आप यहाँ पे हाईलाइट करके रख सकते हो डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज द पास्ट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है पास्ट में लोगों का, ठीक है, प्लेसेस का, इवेंट्स का जो उस टाइम होते थे. द ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग द इवेंट्स. अब इन जो इवेंट्स थे इनको अरेंज करना ऑर्डर में, लाइक पहले कौन सा हुआ, ठीक है, दैट हैपन फर्स्ट, जो पहले हुआ, फॉलोड बाय द इवेंट्स दैट हैपन लेटर, जो बाद में हुआ, जैसे फर्स्ट कौन सा हुआ, सेकेंड कौन सा, थर्ड, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट. दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी. इसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं. तो यहाँ से लेके द ऑर्डर से लेके क्रोनोलॉजी तक यहाँ हमारी इसकी डेफिनेशन गिवन है. सो यू कैन हाईलाइट दिस ऑल्सो. हिस्ट्री अलाउज अस अ चांस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड, ड्रेस्ड, एट एंड फंक्शनड मेनी ईयर्स एगो. आज से बहुत साल पहले लोग जो थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, क्या पहनते थे, क्या काम करते थे, तो ये सब हमें हिस्ट्री से ही तो पता चलता है. हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट किंग्स. हिस्ट्री ये नहीं है कि सिर्फ किंग्स के बारे में है. नॉबिलिटी, नॉबिलिटी क्या था उस टाइम, अ क्लास ऑफ पीपल डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई रैंक. उस टाइम एक क्लास होती थी जिनको एक हाई रैंक मिलता था उसको बोलते थे नॉबिलिटी. और हीरोज, ये नहीं है कि हीरोज के बारे में है. इट इज़ अबाउट ह्यूमन काइंड एंड इट्स ग्रोथ, कि कैसे ह्यूमन काइंड की ग्रोथ कैसे की ह्यूमन्स की. ठीक है, यू माइट फील लाइक आस्किंग समटाइम्स व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी स्टडी इट एट ऑल. आपके मन में कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या है ये हिस्ट्री. सो लेट अस रीड ऑन टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. व्हाई डू वी स्टडी द पास्ट. हिस्ट्री आंसर्स मैनी क्वेश्चन अबाउट द पास्ट. स्टडिंग द पास्ट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी गेट टू नो द फॉलोइंग. हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं. वाई हिस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट, How, where and when our early ancestor appeared. अब हिस्ट्री को पढ़ने से ही हमें पता चलता है ना कि हमारे जो एंसेस्टर थे, मीन्स हमारी जो पहले पीढ़ियाँ थी वो कैसे दिखती थी, अपीयर थी. ठीक है, बाय स्टडिंग द पास्ट, स्टडी करने से पास्ट को, वी अंडरस्टैंड हाउ आर एंसेस्टर लिव्स, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो उस टाइम लोग थे, हमारी पीढ़ियाँ थी, वो कैसे रहते थे, देयर फूड हैबिट्स, उनकी फूड हैबिट्स क्या थी. अबाउट एग्रीकल्चर, उनकी खेती का पता चलता है. इरीगेशन मीन्स खेती में जो पानी की व्यवस्था क्या थी. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स उस टाइम एनिमल्स को कैसे पाला जाता था, संभाला जाता था. एंड हाउ इट लेड टू अ मोर सिक्योर एंड सेटल्ड लाइफ, और कैसे एक सिक्योर और सेटल्ड लाइफ की तरफ हो गए. ठीक है, तो ये सब हम कैसे स्टडी करते हैं, पास से पता चलता है. सेकेंड पॉइंट, बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट मेनी ग्रेट किंग्स, क्वींस, लीडर्स एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल.
who have contributed to our culture and civilization. ये मैंने आपको introduction video में भी बताया था. इस history को study करने से ही हमें kings का, queens का, बहुत सारे leader, जैसे आपको महात्मा गांधी जी का पता है, mother Teresa का, इन सब के बारे में कैसे पता चला? हमें history तो बताती है ना. Studying history is also necessary to know how scripts evolved and how the languages that we speak have come into being. Means history को study करने से ही हमें पता चलता है कि जो लिखने की कला है वो कैसे आई, and how the languages that we speak, जो हम languages बोलते हैं वो existence में कैसे आई, into being का means existence में. And by history और क्या पता चलता है हमें? Many people such as historians. Historians क्या होते हैं? जो सिर्फ literary काम करते हैं, means जो मिल गया और उन पर लिख दिया, book लिख दी उसके ऊपर. एंड आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, ठीक है, और चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर निकालते हैं, उन पर डिस्कवरी करते हैं, ठीक है. हु स्पेशलाइज इन द फील्ड ऑफ स्टडिंग द पास्ट हेल्प अस सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ द पास्ट. मीन्स हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ये दोनों मिलकर काम करते हैं. तो ये क्या करते हैं? दोनों हेल्प करते हैं हमें पास्ट को स्टडी करने में, मिस्ट्रीज बताते हैं, रहस्य बताते हैं उस टाइम के, ठीक है. तो स्टडी को, पास्ट को स्टडी करने के लिए हमें ये चीज़ों का पता चलता है अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, डेट्स इन हिस्ट्री. फॉर दिस यू हैव टू वॉच द वीडियो, ठीक है. इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है आपने इसके लिए सबने, इन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टाइमलाइन, कि टाइमलाइन को कैसे रीड करते हैं. बट जस्ट सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस पार्ट. सो हम यहाँ से रीड करेंगे पीरियड एंड पीरियडाइजेशन. Historians have divided the past into two broad periods. Two periods में divide किया है, prehistory and history. Prehistory क्या है? Is the long period of human evolution, means human growth का, before the invention of writing. जब means writing की invention भी नहीं हुई थी, वो हमारी prehistory है. Means history से भी पहले का time. Name से ही confirm हो रहा है. The prehistoric period is that the part of the past for which there are no written records. और जो हमारा प्री हिस्ट्री पार्ट है ना, उसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है. उस टाइम क्या था? ह्यूमन एट दिस टाइम वर हंटर्स गैदरर्स एंड देयर फॉर डिड नॉट लीड अ सेटल्ड लाइफ. तो जो उस टाइम ह्यूमन थे वो क्या थे? हंटर थे, शिकारी थे, ठीक है. एंड देयर फॉर उसके वो एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते थे. टू अंडरस्टैंड प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट डिग डीप इन टू द ग्राउंड. अब प्री हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं? डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं ग्राउंड्स में, एंड लर्न अबाउट द लाइफ इन द पास्ट फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स दे फाइंड. तो डिगिंग के टाइम उनको जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं, मीन्स जो बची हुई चीज़ें मिलती हैं उस टाइम की, कोई भी टूल्स हो सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग के कोई भी ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो उसी से वो हमें क्या समझाते हैं? उस प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है हमें. दीज रिमेन्स कुड भी, अब ये रिमेन्स कुछ भी हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं, पोर्ट्स हो सकते हैं, कोई बर्तन हो सकते हैं, बोन्स भी हो सकती हैं किसी चीज़ की, मोन्यूमेंट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है. तो इन चीज़ों से हमें प्री हिस्ट्री का पता चलता है. नाउ कम टू द हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द पीरियड ऑफ द पास्ट. हिस्ट्री क्या है? पीरियड है एक पास्ट का, दैट कम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग के इन्वेंशन के बाद में है, ठीक है. देखो प्री हिस्ट्री का तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उस टाइम जो लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी, तो उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, बट हिस्ट्री का रिटर्न रिकॉर्ड है. देयर फॉर फॉर द हिस्टोरिकल पीरियड देयर आर रिटर्न रिकॉर्ड्स. इसके लिए जो हिस्ट्री जो पीरियड है इसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं. द अर्लीस्ट राइटिंग वॉज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स सीन इन मैनी केव्स. आप बहुत सारे केव्स में, गुफाओं में दे सकते हो कि उस टाइम क्या थे, जो राइटिंग कैसे होती थी वो केव्स पे होती थी, ठीक है, गुफाओं में, वहाँ पे हमें ड्राइंग्स मिलती हैं, वही उस टाइम की राइटिंग थी. लेटर कहते धीरे धीरे पीपल रोट ऑन द पिलर्स, फिर लोगों ने पिलर्स पे लिखना शुरू किया, रॉक्स पे, पाम ट्रीज लीव्स पे, क्ले टैबलेट्स पे, मिट्टी के चीज़ों पे, एंड बार्क्स ऑफ द बिर्च ट्री, मीन्स ट्री की जो पेड़ों की छाल होती है उस पर भी लिखना शुरू किया. धीरे धीरे इस तरह से मीन्स लिखने की जो कला विकसित होती गई. द हिस्टोरिकल पीरियड इज ऑफन सब डिवाइडेड बाई हिस्टोरियंस इन टू. अब हिस्टोरियन है जो, वो हिस्ट्री का ये जो पीरियड है ना, इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं. देखो प्री हिस्ट्री का तो कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो हिस्ट्री प्री जो हिस्टोरियंस ने हिस्टोरिकल पीरियड को डिवाइड किया है वो थ्री पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड. आपने इसको मैंने अच्छी तरह से आपको टाइम लाइन में समझाया हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है, कि जो हमारा एंशियंट टाइम है वो प्री हिस्ट्री से लेके 700 AD तक है. मेडिवल टाइम है जो हमारा, वो 700 AD से 1857 तक है.
और मॉडर्न टाइम आज तक का हमारा 87 मींस 1857 से लेके प्रेजेंट तक का जो टाइम है उसको हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं. सो हाउ डू वी स्टडी द पास्ट. अब हम पास्ट को स्टडी कैसे करते हैं, पहले हमने स्टडी किया, अभी हमने रीड किया था कि व्हाई क्यों करते हैं, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि पास्ट को स्टडी कैसे करते हैं. मैनी एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स, जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इन पूरी नॉलेज होती है पास्ट की, जो स्कॉलर्स हैं जो इनकी स्टडी कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हिस्टोरियंस लाइक हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, ठीक है, और वो जो भी रिमेन्स निकलते हैं बच वहाँ से, ठीक है, उन पर स्टडी करते हैं, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज ह्यूमन एंड देयर कस्टम एंड बिलीव्स एंड रिलेशनशिप. मीन एंथ्रोपोलॉजी जो होती है ना एक्चुअली में एक स्टडी होती है, साइंस की स्टडी होती है, जो हम ह्यूमन बींग पे करते हैं कि उनका उस टाइम क्या कस्टम था, बिलीव था, रिलेशनशिप था पास्ट में, ठीक है. जैसे वैसे ही सेम जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं एनिमल्स की या ठीक है बोन्स की, ठीक है, आप ह्यूमन बोन्स का भी कह सकते हो, मेनली एनिमल्स का भी कह सकते हो. जियोलॉजिस्ट कौन होता है, एक पर्सन होता है जो स्टडी करते हैं द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ थ्रू रॉक्स एंड रॉक फॉर्मेशन, मीन्स अर्थ की जो स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट. एंड फिजिक्स क्या है, जो अ साइंटिस्ट हु स्पेशलाइज इन फिजिक्स, जो फिजिक्स में क्या होते हैं स्पेशलाइज होते हैं. तो हमने अभी ये स्टडी क्या किया है कि इन पर्सन की वजह से हम स्टडी कर पाते हैं. मीन्स हिस्टोरियन हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और उन चीज़ों पर आगे क्या करते हैं वर्क करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं जो मैन है, ठीक है, उसकी पूरी स्टडी करते हैं, और जूलॉजिस्ट एनिमल्स की पूरी स्टडी करते हैं या फिर जो ह्यूमन बोन्स है उसकी स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं वो अर्थ की स्टडी करते हैं, और फिजिक्स की स्टडी जो करते हैं वो होते हैं फिजिक्स. हेल्प अस टू नो, ये हमारी हेल्प करते हैं अबाउट द थिंग्स दैट हैपन लॉन्ग एगो, जो बहुत टाइम पहले जो भी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में स्टडी करने में ये लोग हमारी हेल्प करते हैं. हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर स्कॉलर्स, जो हिस्टोरियंस हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको जो भी चीज़ मिल जाती है वो उस पर बुक लिख देते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं मीन्स वो स्कॉलर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टडी आर पास्ट, जो हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं यूजिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बहुत सारे सोर्सेज को यूज करके. द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट, एक्सकवेट मीनिंग होता है डिग करना, डिग करते हैं साइट्स ऑफ एंशियंट एंड मेडिवियल सिविलाइजेशन, मीन्स एंशियंट और मेडिवियल टाइम की जो सभ्यता थी उस टाइम की साइट्स को क्या करते हैं डिगिंग करते हैं एंड एग्जामिन, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं, जज करते हैं द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो जो भी उनको फिर बाद में खुदाई के टाइम जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, जो भी टूल्स मिलती हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट मिलते हैं, फिर उनको एग्जामिन करते हैं एंड इंटरप्रेट देम फॉर अस, और फिर बाद में हमें उनका मीनिंग समझाते हैं इंटरप्रेट करके कि इनका क्या यूज़ है, उस पर पूरी स्टडी करते हैं फिर हमें बताते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या रीड किया, आज हमने रीड किया कि हिस्ट्री क्या है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, डेट्स इन हिस्ट्री, पीरियड एंड पीरियडाइजेशन, एंड हाउ डू वी स्टडी द पास्ट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.